हे भगवान शिव, हे प्रकृति के राजा, हे पालनहार, यदि आपके इस भक्त से कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना, हम सब आपकी ही संतान हैं। भगवान शिव को लायक जरूर करें। सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, सावन के महीने का हर एक समय, हर एक दिन बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। सावन का हर एक दिन उतना ही पवित्र माना जाता है जितना कि पवित्र गंगा माँ, पवित्र गंगा जल। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ की महाशक्ति का महीना माना जाता है, और सावन महीने में जितना ज्यादा हो सके सारे कामों का त्याग कर अगर कोई भक्त विशेष तौर से भगवान भोलेनाथ को खुश करने में लग जाता है तो उसकी कुंडली के वारे न्यारे हो जाते हैं। साक्षात भगवान भोलेनाथ उसके जीवन में प्रवेश कर जाते हैं और भोलेनाथ का उसके घर में आगमन हो जाता है। इसी वजह से सावन का विशेष महत्व रहता है। विशेष फलों को देने वाला, विशेष बल प्रदान करने वाला, कुंडली को सुरक्षित रखने वाला मात्र सावन सोमवार का व्रत विशेष है। यहां तक कि सोमवार का व्रत रखकर, सावन सोमवार का व्रत करके मात्र कुछ ही पलों में, कुछ ही दिनों में हम कर्ज से बच जाते हैं। यहां तक कि भयंकर से भयंकर काल सर्प दोष भी दूर हो जाता है। यही वो समय है जिस समय भगवान शिव को जल अभिषेक करने से, पंचामृत अभिषेक करने से राहु दोष, मंगल दोष, शनि दोष, गरीबी का दोष और पितृदोष काल का दोष मात्र सावन सोमवार का व्रत रखकर दूर हो जाता है। महाविशेष फल प्राप्त होता है। शिव प्रसन्न होते हैं। माता पार्वती तथा माता लक्ष्मी दोनों हाथों से धन की वर्षा करती हैं। और दोस्तों, इसी तरह सावन के बारे में बताया जाता है कि जिस प्रकार आप अच्छे कार्य करके भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं, तो दूसरी चीज है कि सावन के महीने में कुछ चीजें करने के बारे में कतई मना किया जाता है। इन चीजों का अगर आप सावन के महीने में पालन करते हैं तो परिवार में खुशियां रहती हैं, अन्यथा आपको दुख की प्राप्ति भी हो जाती है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि कितना भी जरूरी क्यों ना हो जाए, चाहे मौत ही क्यों ना आ जाए, कोई आपसे इन चीजों को उधार मांगे तो सावन के महीने में भूलकर भी ये चार चीजें किसी को भी न दे, अन्यथा आपके परिवार में कंगाली देखने को मिल सकती है। महादेव भोले भंडारी कालों के भी काल आपके घर का त्याग हमेशा के लिए कर सकते हैं, वो रुष्ट हो जाएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भगवान शिव से प्यार करते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे ओम नम शिवाय, सावन की हार्दिक शुभकामनाएं, और हमारे चैनल स्माइल फैमिलीज को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबाएगा और कमेंट में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। दोस्तों, आज के समय में उधार देना या लेना हर व्यक्ति के जीवन में जरूरी सा हो जाता है। कोई किसी को उधार देता है तो इस बात के लिए कि उन्हें उनके जीवन में अच्छी चीजें वापस प्राप्त हो सकें, तो इसकी वजह से वो उधार देते हैं। तो कुछ व्यक्ति सामाजिक सरोकार निभाने के लिए उधार देते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, सावन के महीने में अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में कंगाली विद्यमान हो जाती है, घर में क्लेश बढ़ जाते हैं। कम से कम सावन के महीने में तो ऐसा ना करें। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहली चीज की। सावन के महीने में सबसे पहली चीज तो ये है कि भोलेनाथ से जुड़ी किसी भी प्रकार की कोई चीज आप किसी भी व्यक्ति को उधार न दें। जैसे कि भोलेनाथ से जुड़ा किसी भी प्रकार का फल, भोलेनाथ से जुड़ा किसी भी प्रकार का वस्त्र और भोलेनाथ से जुड़ी पूजा की सामग्री आप भूलकर भी किसी को उधार या दान के तौर पर भी न दें, क्योंकि माना जाता है कि अगर आप इस प्रकार की सामग्री दूसरे व्यक्ति को देते हैं तो आपके घर से भोलेनाथ दूसरों के घर चले जाते हैं और आपको वो नहीं प्राप्त हो पाता जो भोलेनाथ आपके लिए करने वाले थे। तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह सावन का महीना धन प्राप्ति का महीना भी माना जाता है। भोलेनाथ साक्षात आपके घर के अंदर आगमन करने के लिए आते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए कि सावन के महीने में भूलकर भी कोई व्यक्ति आपसे धन उधार मांगने के लिए आता है, थोड़ा बहुत भी पैसा लेने के लिए आता है, तो आपको उसे उधार पैसा नहीं देना चाहिए और सावन में आपको किसी अन्य व्यक्ति से उधार भी नहीं लेना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में आप उधार देते हैं या लेते हैं तो वो धन कभी भी लौट कर नहीं आता, बल्कि इस समय धन देने वाला और लेने वाला दोनों कर्ज में डूब जाते हैं। दोस्तों, सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को दूध अभिषेक करने का, भगवान भोलेनाथ को दही अभिषेक करने का महीना माना जाता है और भगवान को सफेद चीजें चढ़ाई जाती हैं। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, सावन के महीने में अगर भोलेनाथ को चढ़ाने के अलावा कोई व्यक्ति सुबह सुबह के समय आपसे दूध, दही, छाछ या फिर संध्या काल के समय में उधार मांगने के लिए या ऐसे ही मांगने के लिए आ जाता है तो आपको भूलकर भी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। अगर आप भोलेनाथ को चढ़ाने के अलावा ऐसा कार्य करते हैं तो मान लीजिए आपके घर की लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती है और साक्षात भोलेनाथ के क्रोध का भी आपको सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप किसी व्यक्ति को गिफ्ट देना चाहते हैं या फिर गिफ्ट के तौर पर कुछ चीजें देना चाहते हैं तो सावन के महीने में भूलकर भी आपको किसी को भी अपनी पहनने वाली घड़ी या फिर बाजार से नई घड़ी खरीदकर आपको नहीं देनी चाहिए,
क्योंकि हर व्यक्ति के साथ उसका समय अच्छा या बुरा चलता रहता है। आपको घड़ी किसी से लेने भी नहीं चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का समय अच्छा है या आपका भी समय अच्छा चल रहा है, और अगर आप किसी अन्य व्यक्ति को अपना समय दे देते हैं, तो आपको आने वाले समय के अंदर अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके घर की सुख समृद्धि से जुड़ी होती है, तो ऐसे में वो चीजें किसी भी व्यक्ति को उधार नहीं देनी चाहिए, वो भी संध्या काल होने के बाद। जैसे कि कोई आपसे लहसुन प्याज दूध दही तथा उधार पैसे भी मांगने के लिए आता है, तो जब सूर्य उदय होता है, सावन के समय सुबह सुबह या फिर सूर्यास्त हो जाता है, तब ऐसे में इन दोनों समय में आपको घर की समृद्धि दूसरों को भूल कर भी नहीं देनी चाहिए। माना जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर की सुख समृद्धि तथा माता लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती है और आपको उसका अच्छा परिणाम देखने को नहीं मिलता। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में आपको उन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए जो दान पुण्य से जुड़ी होती है। दान पुण्य करना हिंदुस्तान की परंपरा रही है। हर व्यक्ति दान पुण्य करके सावन के पवित्र महीने का लाभ उठाता है। लेकिन सावन में आपको दो प्रकार के वस्त्र न तो खरीद कर लाने चाहिए और न ही किसी व्यक्ति से लेने चाहिए और न ही किसी व्यक्ति को देने चाहिए। इसके अंदर पहली चीज तो होती है काले और सफेद कपड़े। आप विशेष रूप से ध्यान रखे भूल कर भी किसी भी सुहागिन महिला को सफेद कपड़े उधार या फिर दान दक्षिणा के तौर पर नहीं देने चाहिए। माना जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके वैवाहिक जीवन को यह प्रभावित करता है और उसके वैवाहिक जीवन में दुख आ जाते हैं, तो इसी वजह से इसका ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, विशेष तौर पर काले कपड़े आप किसी को भी दान के तौर पर या उधार के तौर पर सावन के महीने में नहीं देनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति के जीवन में कंगाली आ जाती है और देने वाले व्यक्ति के जीवन में राहु दोष लग जाता है और साक्षात भोलेनाथ उस व्यक्ति से क्रोधित होने लगते हैं, तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, महिलाओं की आदत होती है कि जब रसोई के अंदर किसी प्रकार का सामान कम या ज्यादा होता है तो अपने आस पड़ोस में मांगने के लिए आ जाती है। तेल, घी या फिर अपने घर की हल्दी, ये तीनों चीजें सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती हैं। जिस घर में ये चीजें होती हैं, माना जाता है कि सावन के महीने के बाद उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, तो सावन के महीने में अपने घर से किसी को भी भूल कर भी इस प्रकार की चीजें आपको उधार न तो देनी चाहिए और न ही लेनी चाहिए। अगर आप ये गलती करते हैं तो देखते ही देखते आपके परिवार पर दुखद परिणाम देखने को मिल सकते हैं और आपके घर की सुख समृद्धि दूसरों के घर चली जाती है। दोस्तों, सावन के महीने में बासी रोटी दान नहीं करनी चाहिए, न ही किसी जानवर को खिलानी चाहिए। बासी रोटी हमेशा बासी ही कहलाती है। इसीलिए अगर आप भोले बाबा की कृपा पाना चाहते हैं तो ऐसे में ताजी रोटी तथा ताजे बने चावल ही खिलाने चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ बहुत खुश होते हैं। दोस्तों, सावन के महीने में अगर आप किसी व्यक्ति को दान देने की सोच रहे हैं तो आप नए कपड़े दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें काले और सफेद कपड़े न दे, जो आपके अपने पहने हुए और अपने पुराने कपड़े भूल कर भी किसी को भी दान के तौर पर या फिर पहने हुए कपड़े किसी को भी ऐसे ही नहीं देने चाहिए। ये माना जाता है कि अगर आप अपने पहने हुए कपड़े किसी अन्य व्यक्ति को देते हैं तो याद रखिए, आपके पहने हुए कपड़ों के साथ आपकी समृद्धि जुड़ी हुई होती है। अगर वो दूसरों के घर चली जाती है तो आपको कंगाली या फिर इस प्रकार की चीजों का सामना करना पड़ता है जो आपके परिवार के लिए अच्छी नहीं होती है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखे, अपने पहने हुए कपड़े कभी किसी को न दे। आप चाहे तो सावन में बाजार से नए कपड़े खरीद कर दान दे सकते हैं। दोस्तों, सावन का महीना सुहाग के लिए विशेष माना जाता है, तो किसी भी सुहागिन महिला की माता लक्ष्मी से जुड़ी चीजें आती हैं जो सुख समृद्धि को बढ़ाती है, और यही चीजें माँ लक्ष्मी को आमंत्रित करने का कार्य करती हैं, तो ऐसी चीजों से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु आपको किसी भी महिला को नहीं देनी चाहिए। सुहागिन महिलाएं विशेष तौर से ध्यान रखे कि अपने माथे पर लगाने वाला सिंदूर तथा गले में धारण करने वाला मंगल सूत्र, और तीसरी चीज अपने पैरों में पहनने वाली पायल, और चौथी चीज पैरों का बिछुआ और चूड़ियां सुहाग का प्रतीक मानी जाती हैं। दोस्तों, ये पांच चीजें किसी भी सुहागिन महिलाओं को भूल कर भी, ऐसे ही चाहे आपकी बहन ही क्यों ना हो, पहनने के लिए नहीं देनी चाहिए और न ही किसी अन्य महिला की पहनने के लिए आपको लेनी चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखें तो निश्चित तौर पर आपको इसका प्रभाव देखने को मिल जाएगा, और देखते ही देखते भोलेनाथ की विशेष कृपा भी आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, जो व्यक्ति सावन के महीने में डेली वाले नमक को दान करता है तो उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा उसके ऊपर सदा बरसती है। सावन में नमक का दान हर हाल में आपको करना चाहिए। अगर आपको सुख समृद्धि की इच्छा है, भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा पाना है, तो सावन में नमक का दान करना ना भूलें। नमक का दान करने से पहले
उसमें दक्षिणा अवश्य डाले तथा थोड़े चावल भी दान करे। नमक का दान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आप रातों रात अपना भाग्य बदल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप वाकई में भगवान शिव से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखकर जाएं। भोले बाबा आपकी सभी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। महादेव के लिए एक लाइक तो बनता है।